Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Muhtaram nazreen ikram, ek dukhad ghatna ke bare mein aapke samne aaya hu. Shamshan ghat ki chhat shamshan ban gayi. 3 janvari 2021 sunday ke din UP Ghaziabad ke andar shamshan ghat ki chhat gir gayi. 24 log dab ke mar gaye bechare. Bahut dukhad ghatna hai. Gaye the kisi ko jalane ke liye, khud unka aakhri waqt aa gaya. क्या बिल्डिंग बनाने वाले नेता के लिए कोई खास कानून नहीं है? एनसीए और यूएपीए जैसे कानून ये 24 लोगों के हथियारों के लिए नहीं है? बहुत दुखद घटना है, अल्लाह उनके परिवार को शांति दे। मैं समीर, शादाब और तनवीर को सलाम करता हूं। तीनों नौजवानों ने 4 लोगों की जान बचाई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों नौजवानों को पता चला कि छत गिरने की आवाज आई है। समीर, शादाब, तनवीर को सलाम। चारों को समझ में नहीं आया, फौरन वहां पहुंचे, हथौड़ी और छेनी लेकर पहुंचे और उसके बाद छत को तोड़ तोड़ कर 4 लोगों की जान बचाई है। हम इनको सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। कम से कम सरकार इन तीनों का नाम लेगी। खैर, नाम ले न ले, मेरे भाइयों, यही तो हमारे भारत देश की खूबसूरती है। सबके दर्द में काम आई मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अल्लाह सही समझता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।